माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल 2022 पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑलरेडी हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में हम सबको राइट टू लाइफ एंड राइट टू हेल्थ ऑलरेडी चिन्हित है। इस बिल में इसके अलावा क्या अधिकार दिए जा रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे रूल्स हैं इसमें, मैं सीधे बिल पे बात कर रही हूँ तो पेज 32 ZA पे ये आपने ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशेंट्स की बात करी है। ये क्लियर नहीं है कि जो छोटे बेडेड हॉस्पिटल हैं, एक बेड से लेके 10 बेड तक के हॉस्पिटल्स, जिनके पास शायद एम्बुलेंस नहीं होगा, उनके ऊपर फिर क्या आप कोई दंड लगाएंगे कि वो अपने पेशेंट को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं? अगर वो दूसरी सुविधाएं का इस्तेमाल करेंगे तो इनका रीइंबर्समेंट कैसे होगा, ये इसमें क्लियर नहीं है। ऐसे ही आपने पेज 35 में भी वापस ये ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन की बात करी है पेशेंट्स को रेफ़र करने की, पर इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। पेज 33 में आपने लिखा है पॉइंट 3 में पार्ट बी में टू अवेल फ्री ओपीडी सर्विसेज, आईपीडी सर्विसेज वगैरह, इसमें आपने कोई टाइम लिमिट रीइंबर्समेंट का नहीं क्लैरिफाई करा है। तो इसमें यह भी क्लैरिफाई किया जाना चाहिए कि कम से कम मैक्सिमम 15 दिन में अगर इन निजी हॉस्पिटल्स को रीइंबर्समेंट हो जाता हो तो वो मेरे ख्याल से बहुत खुशी से ये करने को तैयार हैं, परंतु मैंने देखा है कोटा में अभी भी करोड़ों का जो बकाया है अभी तक इन निजी हॉस्पिटल्स को नहीं मिला है। इस वजह से ये जो चिरंजीवी में जो दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, ये भी इस एक कारण है। ऐसे ही आपने शेड्यूल ए में ये लिखा है आपने डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर्स मींस हेल्थ केयर सेंटर्स और एस्टैब्लिशमेंट ऑफिशियली मार्क्ड एंड चोजन फॉर स्पेशल पर्पसेस एंड रोल्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पब्लिक ट्रस्ट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स रनिंग ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल विद गवर्नमेंट, hospitals where government allocated land and subsidized rates, and this must be included in the definitions, जो कि आपने नहीं करा है। इसके बाद मैं जाऊँ तो कहीं भी government hospitals की accountability की बात नहीं रखी गई है। क्यों ये अकाउंटेबल नहीं होंगे एंड केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स अकाउंटेबल होंगे? रही बात, आपने सुनाई है शायद पूरे राजस्थान ने नहीं पर पूरे देश ने, जेके लॉन हॉस्पिटल की बात करूं कि तो बच्चों के साथ क्या हुआ, एमबीएस हॉस्पिटल में महिला जो आईसीयू में भर्ती थी उसकी आँख कुतर गई, चूहों ने कुतर दिया, उसके बारे में बात करूँ। और सभापति महोदय, लेटेस्ट जो बात है, जो एमबीएस हॉस्पिटल में लैब है जो 24 घंटे चलती है और लोग वहाँ मतलब बड़ी संख्या में वहाँ जाते हैं, वहाँ सीवरेज का पानी भरा हुआ है और लोगों को पत्थरों पे कूद के जाना पड़ रहा है उस लैब में। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी, अगर ये हाइजीन ही नहीं होगा, कहीं भी आपने क्लेनलीनेस और हाइजीन की बात, ये राइट्स नहीं मिलेंगे क्या जनता को? क्या हॉस्पिटल्स में अगर हाइजीन और सैनिटेशन की बात नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन का जो डर है उसमें आपने कहीं भी ये नहीं कहा है कि दे शुड बी सैनिटेशन एंड हाइजीन एंड क्लेनलीनेस? ये एक प्राइम एग्जांपल है जो अभी आपको कह रही हूँ। इसके अलावा सरकार द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि ये जो प्रस्तावित राइट टू बिल हेल्थ बिल है WHO एवं सर्वोच्च अदालत के निर्देशों के अनुरूप है। यदि ये सत्य है तो WHO अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी किसी आदेश को सार्वजनिक किया जाए जिसमें ये बताए कि सभी निजी हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी मरीजों को निशुल्क इलाज कराना चाहिए। कहाँ लिखा है ये WHO में? ये आप जो कोट कर रहे हैं WHO को। इसके अलावा आपने पॉइंट नंबर 2 पेज 29 में पैरा जी में स्पेसिफिकली आपने ये लिखा है इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर। क्यों? ये क्या महिला विरोधी बिल है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोस्टली जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं दे आर लेडीज, एटलीस्ट 99% वो है, एंड एज अ वुमन, एंड मैं शायद सभी यहाँ जो माननीय सदस्य हैं जो महिला हैं, हम सब ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अगर हम महिला गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं।
शायद 1% हो सकता है कि पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट हो, पर ज्यादातर ये महिला गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं। तो इनको अलग से चिन्हित करने का क्या आपका उद्देश्य है? Why are they being mentioned for emergency obstetric care separately under a separate head? ये समझ में नहीं आया। लगता है कि ये जैसे काला कानून है, महिला विरोधी है। एक महिला अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके ऐसे प्राइवेट डिटेल्स शेयर करती है जो वो कंफर्टेबल नहीं होंगी दूसरे डॉक्टर के पास जाके। ये रिलेशनशिप वो अपने मोहल्ले में जो क्लिनिक है उसके पास जाएगी या जो भी हॉस्पिटल में जाएंगी। अगर एक महिला डॉक्टर पढ़ के अपना नर्सिंग होम चलाती है, मटर्निटी होम चलाती है, और अगर आप लोग उनके ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ये जो महिला डॉक्टर्स हैं ये सब अपना हमारा प्रदेश छोड़ के अगल बगल के प्रदेश में चले जाएंगे। माननीय सभापति 2 मिनट और, इससे मैं कहना चाहती हूँ इसके साथ ही अंत में, तो बस थोड़ा सा मदन जी प्लीज 2 मिनट। ये पलायन अगर करेंगे और दूसरे नर्सिंग होम्स नहीं लगाए जाएंगे तो हम सब अच्छे मेडिकल हेल्थ केयर से वंचित रह जाएंगे। हमने कोविड में देखा है जैसे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह नहीं करके काम करा है, आज ऐसा क्या हो गया है? उस टाइम हमने उनको भगवान माना है कि आज हम उनके ऊपर वाटर कैनन और लाठी चार्ज कर रहे हैं। मैं अंत में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, यहाँ सभी सदस्य हैं, इनके घर में बहुएं होंगी, बेटियां होंगी, सब शायद प्राइवेट नर्सिंग होम्स में ही डिलीवरी कराते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्यों नहीं हम अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का स्टैंडर्ड इतना हाई कर दें ताकि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाने की जरूरत पड़े, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पीछे पड़े। अंत में मैं 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए इस बिल को प्रचारित किया जाने की विचार रखता हूं। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।